बच्चे कल यानी कि फोर्थ अप्रैल 2024 को आपका जेई मेन का सेकेंड अटेम्प्ट का फर्स्ट शिफ्ट कंडक्ट कराया गया एनटीए के द्वारा इवन हम लोगों के भी यहाँ से जो सबसे नियरेस्ट सेंटर था हम लोगों ने खुद सेंटर पे विजिट किया था साढ़े ग्यारह पौने बारह के अराउंड हम सेंटर पे पहुंचे थे जस्ट टू सी कि बच्चों का कैसा था पेपर क्या रिएक्शन था बच्चों का तो एक स्टूडेंट रिएक्शन के लिए हम लोग सेंटर पर गए थे प्लान हमारा ये था कि जैसे ही बच्चे बाहर आएंगे विल गो लाइव हम बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे और आप बच्चों को बताएंगे कि पेपर कैसा था एंड हम लोग लाइव जाने की कोशिश कर भी रहे थे बट देन वहां पर जैमर्स लगे हुए थे थ्रू आउट द सेंटर जैमर्स थे अच्छी खासी सिक्योरिटी थी वहां पर एंड uh, कोई नेटवर्क नहीं था कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं था मेरे फोन में जिसकी वजह से वी कुड नॉट गो लाइव और हमने वीडियो रिकॉर्ड करी तो अंदर जब जब ये पूरी चीज हुई जब नेट uh, नहीं चल रहा था तो अंदर से ना एक रिलीफ था कि चलो अच्छी बात है यहां पर इतनी सिक्योरिटी है जैमर्स uh, वगैरह लगे हुए हैं तो हमें अंदर से एक रिलीफ था कि अच्छी बात है चलो बच्चे पेपर देने गए हैं तो सब कुछ अच्छा होगा कोई चीटिंग के केसेस एज सच नहीं होने चाहिए बट ये जो सिचुएशन थी को uh, हमने जिस सेंटर पर विजिट किया था वहां स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी uh, थी जैमर्स लगे हुए थे बट द सेम थिंग नॉट देयर ऑल अराउंड द कंट्री ऐसा नहीं है कि हर सेंटर में uh, ये चीजें थी जैमर्स लगे हुए थे या बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए जैसे ही कल बच्चे पेपर देके बाहर आए तो आप देखिए इंटरनेट पर कुछ फोटोज ऐसी वायरल uh, हो गई आई विल से जहां पर क्वेश्चन की फोटोज थी वही क्वेश्चन जो कल पेपर में आए थे वही क्वेश्चन और कुछ इस तरीके की फोटोज थी ये तो खैर आज के सेशन की फोटोज हैं कल भी कुछ ऐसी फोटो सर्क्यूलेट हुई बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे आप फोटोज देखेंगे वही क्वेश्चन जो पेपर में आए थे जब बच्चों से कंफर्म कराया गया जो बच्चे पेपर देकर आए थे दे ऑल्सो सेट की मैम ये तो सेम सवाल है जो पेपर में पूछा गया था अब अगर वो फोटो सर्कुलेट हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई सेंटर के अंदर फोन लेकर गया था जिसने फोटोज खींची और वो फोटो सर्कुलेट हुई दैट मीनस कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है अनफेयर मीन्स यूज हुए हैं अब जैसे ही ये चीटिंग की बात आई तो कल यानी कि फोर्थ अप्रैल को एनटीए ने एक नोटिस भी जारी किया फोर्थ अप्रैल को प्रेस रिलीज है एनटीए के द्वारा जहां पर एनटीए ने खुद कहा कि एक केस इम का मतलब मेरी जगह कोई और पेपर देने चला गया और नौ केसेस यूएफएम यानी कि अनफेयर मीन्स के रिपोर्ट हुए थे एग्जाम इनके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा ये बात थी चार अप्रैल दो हजार चौबीस की जब आपका कल फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट कंडक्ट हुआ सब कुछ नॉर्मल चल रहा था आज भी बच्चे पेपर देने गए एंड उम्मीद ये थी कि बच्चे आकर हमें ये बताएंगे कि मैम ये 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 सवाल आए थे बट इवन वी वरप्राइज टू सी किस तरीके के मैसेजेस आए ये एक बच्चे का मैसेज है जिसने सुबह मेरे से बात करी है ही हैज फॉरवर्डेड अ मैसेज टू मी और उसमें लिखा हुआ है ये ले सीधा क्वेश्चन और फिर वो बच्चा मेरे से पूछ रहा है मैम ये क्या हो रहा है लोग फोन लेकर जा रहे हैं फोन अंदर कैसे अलाउड हुआ अगर कल मेरी शिफ्ट में भी चीटिंग हुई तो क्या बच्चे जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं एंड कई कई बच्चे दो दो साल से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं लगभग बारह लाख बच्चे इस पेपर को लिखने वाले हैं तो जेन्युनली जिस बच्चे का कल पेपर है उसको एक डर लगेगा कल पेपर है आपने बहुत तैयारी करी है एग्जाम के लिए आपको अंदर से एक डर लगेगा कि कैसा जाएगा पेपर बट एट द सेम टाइम अगर ये सारी चीजें कि चीटिंग हो रही है तो बच्चों का डर अंदर से और ज्यादा बढ़ जाता है कि वॉट इफ मेरी शिफ्ट में चीटिंग हुई तो क्या होगा और ये एक जगह पर नहीं है आप बहुत सारी वेबसाइट्स देखिए हर जगह ये पिक्चर सर्कुलेट हो रही है बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पर इवन एक बच्चे से बात हुई उसने बोला कि मैम मेरे खुद के सेंटर में तीन चार बच्चे आपस में बातें कर रहे थे तो जब इन को कंप्लेन किया कि मैम इनको मना करो ये बातें क्यों कर रहे हैं शी सेड इन ने बोला दो बार कि मत करो मत करो डाटा बट देन दे कंटिन्यू दिस थिंग तो ऐसे केसेस सामने आए हैं एंड इसके चलते अब बच्चों के मन में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इसका मतलब है कि मेरी शिफ्ट कैंसिल हो जाएगी जिस भी शिफ्ट में चीटिंग हुई है तो क्या वो शिफ्ट कैंसल हो जाएगी बच्चे पास्ट में भी जब भी कभी भी ये चीटिंग वाले केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं जनरली ऐसा देखा गया है कि पूरी पूरी शिफ्ट कैंसल नहीं होती है कल भी आप मानेंगे दो से ढाई लाख बच्चों ने पेपर दिया अब ढाई लाख बच्चों का पेपर रिकंडक्ट कराना आसान बात नहीं होती आ, बाकी देखते हैं एनटीए के द्वारा क्या स्टेप्स लिए जाते हैं जनरली होता यह है कि जिन बच्चों ने ये अनफेयर मींस यूज किए हैं इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाते हैं या फिर हद हद जिस सेंटर पे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं उन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल जो है कोई प्रोसीजर कराया जा सकता है बट ये कहना कि पूरी शिफ्ट कैंसिल हो जाएगी ऐसा पास्ट में भी जनरली नहीं हुआ तो क्या होगा आगे वो तभी कहा जा सकता है जब एनटीए के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन वंस अगेन जारी रखा जाएगा कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर जब भी एनटीए रिलीज करेगा तभी पता चलेगा कि आगे क्या होगा बट एज अ स्टूडेंट जो हमें अभी जिस बात का ध्यान रखना है वो ये कि आप ये मत सोचो कि कल आपके पेपर में क्या होगा चीटिंग होगी नहीं होगी सो वी डेफिनेटली थिंक है ना एंड वी रिक्वेस्ट एंटी ऑल्सो कि इन सारी चीजों के अगेंस्ट केस किया जाए इन सारी चीजों में जहां पर भी जिस भी सेंटर में बच्चों ने कुछ अनफेयर मीन्स जिस जिसने भी ये अनफेयर मीन्स यूज किए हैं इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए बट आप एज अ स्टूडेंट जिन बच्चों का कल पेपर है आगे आने वाली शिफ्ट में पेपर है बच्चे आप अपना फोकस लूज मत करिए इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू देखो डरो मत वो जो एग्जाम वाला डर है वो अगर आपके अंदर है कि कैसा जाएगा दैट इज जेन्युन वो डर जेन्युन है जायज है बट इन सारी चीजों के चक्कर में आप अपना एग्जाम मत खराब करना टली होप फॉर दु कुछ अच्छा स्टेप लिया जाए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए बट आप अपने पेपर पे फोकस करो जितना आपने इन दो साल में पढ़ा है कल उसको पेपर में उतार के आने की कोशिश करनी है सो स्टे पॉजिटिव स्टे काम बाकी जो भी अपडेट एनटीए के द्वारा आता है आई डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड